अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ खूबसूरत और वर्सटाइल सीनियर अदाकारा मरीना खान के बारे में, जो कि इस उम्र में भी आज भी अपने स्टाइल की वजह से फैंस के दिलों में भर किए हुए हैं। ये अदाकारा असल में कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मरीना खान पाकिस्तान के शहर पिशावर केपीके से ताल्लुक रखती हैं और 26 दिसंबर 1962 को पिशावर में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 61 ईयर्स हो चुकी है। ये अदाकारा एज अ एक्ट्रेसेस, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर और टेलीविजन प्रेजेंटर के तौर पर काम कर चुकी हैं और इनके वर्सटाइल अंदाज की वजह से लोग आज भी इन्हें बेहद पसंद करते हैं। ये पीटीवी की 1980 और 1990 की मोस्ट पॉपुलर अदाकारा थी। इन्होंने 1985 के ड्रामा तन्हाइयां से काफी शोहरत हासिल की और उसके अलावा तन्हा ड्रामा इनका 1997 का था, उसमें भी कमाल की एक्टिंग रही। तन्हाइयां नए सिलसिले 2022 में इन्होंने कमबैक किया और यहां भी इन्होंने काफी शोहरत हासिल की और इसके साथ साथ ये 2016 में इन्होंने पहली फिल्म में ये नजर आई लाला बेगम में, जहां वाकई ही इनकी एक्टिंग कमाल की थी। उसके बाद अब ये स्क्रीन पर नजर नहीं आती लेकिन एज अ डायरेक्टर काम कर रही हैं। बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। चूंकि ये केपीके से ताल्लुक रखती हैं तो ये एक पश्तून फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनके वालिद रहमत खान एक बिजनेसमैन, जबकि इनकी वालिदा अना रहमत इंग्लिश डिसेंट खातून थी और पिशावर में ही सेटल्ड थी। और ये अदाकारा नवाब ऑफ टैंक नवाब कुतुबुद्दीन खान की ग्रैंड डॉटर हैं। इनके वालिद ना सिर्फ बिजनेसमैन रह चुके थे बल्कि इससे पहले पाकिस्तान एयर फोर्स में भी काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये काफी बार जो है एक जगह से दूसरी जगह रीएलोकेट होती नहीं। और यही वजह थी कि इनका कहना यह है कि उनके कोई लॉन्ग टर्म दोस्त नहीं बन पाए, चूंकि ये कभी भी एक जगह नहीं रही थी। बात कर लेते हैं यहाँ इनकी तालीमी काबिलियत की, तो इन्होंने बैचलर्स कर रखा है फैशन डिजाइनिंग में। जबकि बात करें इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, इनकी हाइट 5'6", इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान है, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रेवल करना है। बात करती है यहाँ इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो इनकी शादी 1989 में जलील अख्तर के साथ हुई। इनके हस्बैंड जलील अख्तर भी शोबिज से ताल्लुक नहीं रखते और एक नॉन आर्टिस्ट पर्सन हैं। जबकि बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनकी दो बेटियां और एक बेटा भी है, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी पर्सनल रखा है, अपने बच्चों के साथ ये तस्वीर शेयर नहीं करती। तो ये थी खूबसूरत अदाकारा मरीना खान। ये आपको कैसी लगती है, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट रहा, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज नाउ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगेबान।